तो आज का काम हो गया है और आज जो हमने काम किया उसका एक रिपोर्ट वीडियो बना रहे हैं फटाफट। तो ये जामुन था जिसके जो किसी और ने लगाया था, इसकी हमने जो जल तलैया थावला भी जिसे कहते हैं वो बना दिया ताकि ये नज़र में भी आए और इसमें पानी देने के ऑप्शन भी बने। ये नाली को थोड़ा क्लीन करके पेड़ों तक लिया है, फिर यहाँ पे इस जामुन के आसपास की भी सफाई की और इसके आसपास पेड़ लगा दिए ताकि इसके ऊपर कोई गलती से पाँव ना रख दे। इसके अलावा जो पेड़ लगाए गए थे जो हमारी टीम ने लगाए थे, अनिल जी, जगमोहन, राघव और पवन ने, उसके अलावा जो औरों ने पेड़ लगाए थे उनको ट्री गार्ड्स नहीं लगाए गए थे, यानी उनकी प्रोटेक्शन नहीं की गई थी। तो जैसे ये बरगद है ये हमने नहीं लगाया था, लेकिन इसका जो प्रोटेक्शन है ये हमने कर दी है ताकि इसको कोई डैमेज ना हो। तो ये हमने यहाँ पे आसपास पड़ी लकड़ियों से इसके आसपास की जो है सुरक्षा कर दी पेड़ की। आसपास जो कत्तर फटे पुराने कपड़े पड़े थे उन्हीं से इसको बांध दिया, तो ज़ीरो बजट में पूरा काम कर दिया ये, इसमें कोई पैसा नहीं लगा। और पत्तों के खाद भी डाल दिए जो मल्चिंग का काम करेंगे और पेड़ के आसपास से पानी को नहीं उड़ने देंगे। ये देखो यहाँ पे पुराने जो पेड़ की छटाई की गई थी छोटी छोटी टहनियों की, वो पेड़ के आसपास लगा दी है और ये पेड़ प्रोटेक्टेड रहेगा, इस पर डैमेज नहीं होगी। यहाँ पे स्पेशल प्रोटेक्शन हमने इस पूरी लाइन में स्पेशल प्रोटेक्शन इसलिए दी क्योंकि यहाँ वॉलीबॉल खेली जाती है और वॉलीबॉल से जो पेड़ होते हैं उनकी जो तना होता है वो डैमेज हो जाता है कि बॉल उनके ऊपर सीधा गिरती है, और यहाँ पे क्रिकेट खेलते हैं लोग तो उनकी जो बॉल है वो पेड़ों को नहीं टकराएगी। तो ऐसे हमने हर पेड़ के आसपास पुरानी टहनियाँ और जैसा मैंने बताया था कत्तर से उनको बांध के ट्री गार्ड बनाया, क्योंकि हमें गवर्नमेंट से ट्री गार्ड नहीं मिल पाए। ट्री गार्ड लगाने का एक और प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पे गाय बहुत आती है। पेड़ों जो कम्युनिटी सेंटर का एक एंट्री गेट है वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है और वहाँ से गाय और जो जानवर होते हैं दूसरे वो अंदर आ जाते हैं और वो इन पेड़ों को खा जाते हैं, इनके पत्तों को, तो ये पेड़ बड़े नहीं हो पाते। तो अब मैं आपको सारे वो पेड़ दिखाऊंगा जिनके आसपास हमने टहनियों या पेड़ की लकड़ियों को काट के या फटे पुराने कपड़ों को यूज़ करके या बांस की परखच्ची को फाड़ के हमने ट्री गार्ड्स बनाए। तो आप ये देख सकते हो येरा येरा है, हाँ जी। और ये जितने पेड़ लगाए हैं ना इन सब में मैंने जैसे पहले कभी बताया होगा कि कंपेनियन प्लांटिंग की है, यानी पेड़ के साथ बड़े पेड़ के साथ नीचे छोटे पेड़, फिर उसके नीचे झाड़ी, फिर उसके नीचे आयुर्वेदिक पेड़ जैसे तुलसी और मरुआ, हमने हर एक के साथ लगाए चार पाँच चार पाँच।